हेलो फ्रेंड्स, मैं कुनी शर्मा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग की हमारी क्लास स्टार्ट करी थी और फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था अल्फाबेट का, वर्णमाला का। एक प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12, बाएं से 15, बाएं से 16, बाएं से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस प्रकार से बताना है। यहीं पर यदि मान लीजिए बाएं के दाहिने जाना है या दाहिने के बाएं आना है तो हमने क्या करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग करना स्टार्ट करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर से वर्णमाला हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, अल्फाबेट टोटल लिखी हुई है और इसकी काउंटिंग मैंने आपको लिख दी है। आपके प्रॉब्लम नहीं आए आपको इसलिए, बाकी आपको याद करके रखना है, मेमोराइज करना है कि ए का नंबर एक होता है, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, इस प्रकार से आपको पूरा मेमोराइज करके रख लेना है। ये हर बार हम लोग हमारी हर क्लास में नहीं लिखेंगे, ये आपको मेमोराइज करने के लिए है और अभी हाल फिलहाल में आपको समझाने के लिए। तो यहां पर जब हम लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाएं से चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है, तो बाएं से 18वां अक्षर तो आपको यहां पर दिख रहा है कि बाएं से 18वां जो है वो आपके पास आर है, ये आपको बता दें। लेकिन एक प्रकार का क्वेश्चन और यहां पर पूछा जाता है और उसमें वो बाएं से ना पूछ करके आपसे पूछता है दाहिने से। यदि किसी क्वेश्चन में दाहिने से पूछ लिया जाए तो हमने क्या करना है, देखिए ये होता है हमारा दाहिना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दाहिना है हमारा फ्रॉम द राइट, बोल दीजिए आप जो भी आपने यहां पर बोला। यहां से आपने स्टार्ट किया, ये आपका बाया है और जेड पर जाकर के फिनिश हुआ था। यदि आप जेड से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, यदि आप उल्टे तरफ से चल रहे हैं मतलब आप दाहिने से चल रहे हैं, तो किसी क्वेश्चन में यदि आपसे दाहिने से पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है। क्वेश्चन आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वां अक्षर क्या होता है, क्या क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 9वां नाइन्थ लेटर जो है वो कौन सा आएगा। यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, या तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, आपका नाइन्थ लेटर जो है वो इस प्रकार से आपने निकाल लिया। ये कब होगा, जब आप इसको लिख करके रखेंगे तो। लेकिन वहां पर आपके पास इतना समय तो नहीं है कि आप पूरा अल्फाबेट को लिखिए फिर उसको काउंट कीजिए, है ना, इतना समय नहीं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, उसको यदि आप यूज करेंगे तो इजीली वो वहां पर आपका निकल जाएगा। जैसे ये टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं। आपको इस 26 में प्लस 1 करना है, एक ज्यादा लेकर के चलना है, यहां पर फैक्ट कर लो चलते हैं, आपको प्लस 1 ऐड करना है। यहां पर 26 को 27 मानना है, कब मानना है, जब हम लोग क्वेश्चन को दाहिने से सॉल्व कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि दाहिने से नंबर बताइए तो वहां पर आप क्या करेंगे, 26 की जगह उसको 27 मान लेंगे। अब आपने 27 मान लिया और 27 में से जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि दाहिने से 9वां राइट से 9th आपको बताना है, आप क्या करेंगे, आपने इसको 26 को 27 मान लिया और उसमें से आपने पूछा गया जो है उसको माइनस कर दिया। तो हमने यहां पर क्या करा, 27 में से 9 को माइनस कर दिया। अब जो आप 27 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 18। और 18 नंबर किसका, ये जो बचा हुआ है, जो ये आया है हमारे पास, ये ही हमारा आंसर है। अब 18 नंबर किसका होता है, R का होता है, तो यहां पर R जो है वो हमारे पास बाएं से 18 है और दाहिने से कितना है, वो 9 है। तो यहां जब भी आपसे दाहिने से पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, 27 में से उसको माइनस कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखें कि यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने से 11वां होता है, अब दाहिने से 11वां पूछा, क्या करोगे, फिर से वही सेम 27 आपने लिया और 27 में से आपने उस 11 को माइनस कर दिया। दाहिने से जब पूछा है, दाहिने से कितना पूछा, 11 पूछा है, तो हमने 11 को जो है वो 27 में से माइनस कर दिया। जब 27 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 16 और ये 16 नंबर आपका आपने मेमोराइज किया हुआ है, याद किया हुआ है, किसका होता है, 16 नंबर पी का होता है। अब यदि आपको इसमें डाउट है कि आंसर सही नहीं आ रहा है तो आप काउंट करके देख लीजिए कि दाहिने से कितना निकालना है, हमें 11 निकालना है, आप दाहिने से 11 यहां से काउंट कीजिए, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो जब भी दाहिने से पूछा जाए तो वहां पर हमने क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। इसकी एक और ट्रिक होती है, मैं आपको या तो अभी कुछ देर के बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक ट्रिक और कौन सी होती है हमारे पास। अब यहां पर एक प्रकार का क्वेश्चन और, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि या तो सिंगल ही पूछ लेगा या फिर क्या करेगा, वो डबल पूछेगा, दो चीजें दो डिटेल साथ में आ जाएंगी। यदि दो डिटेल साथ में आ जाए तो हमने क्या करना है, पहली चीज आप यहां पर ध्यान रखिए कि जब भी बाएं के दाहिने बोले, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाहिने ऐसा है,
तो जब भी बाएं के दाहिने आएगा वो क्या होगा, आपस में प्लस हो जाएगा। जब बाएं के बाएं आएगा तो क्या होगा, वो आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आज हम लोग क्या कर रहे हैं, दाहिने से कर रहे हैं। तो दाहिने से में क्या होगा कि जब भी वो दाहिने के बाएं बोलेगा, जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसी प्रकार से करना है आपको। यदि वो दाहिने के बाएं बोले तो उसको क्या कीजिए, आप आपस में प्लस कर दीजिए और 27 में से माइनस कर दीजिए। लेकिन यदि वो दाहिने के दाहिने बोल रहा है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से सातवें के दाहिने, इस प्रकार से यदि वो बोल रहा है तो क्या करेंगे, आप दाहिने के दाहिने को आपस में माइनस कर देंगे और जो फिर आपके पास आएगा उसको आप 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से माइनस करने के बाद जो शेष बचे बैलेंस आए वो ही आपका यहाँ पर आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं किस प्रकार से होगा वो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से छठे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से छठे अक्षर के बाएं छठवां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से छठा अक्षर के दाहिने, सॉरी के बाएं छठा अक्षर। अब आपको यहां पर क्या करना है, दाहिने के बाएं जाना है, दाहिने के बाएं। तो हमने यहां पर देखा था कि दाहिने के बाएं क्या होता है, आपस में प्लस हो जाता है। तो दाहिने से छह के दाहिने के बाएं, सॉरी छह, दाहिने से छह के बाएं छह, आपस में प्लस हो गया, ये हो गया मतलब बात। अब आपको निकालना कहां से आंसर, आपको दाहिने से बताना है। तो दाहिने से बताने के लिए आप क्या करोगे, इसको 27 में से माइनस कर दो। अब 27 में से जब आपने 12 को माइनस करा तो आपके पास आंसर बचा 15, आपके पास शेष जो आया, बैलेंस जो आया वो 15 आया। 15 नंबर किसका होता है, यहां पर हमारे पास ओ का होता है। तो ये जो ओ है वो आपका दाहिने से क्या हो गया है, 12 हो गया है, दाहिने से जो है वो 12 हो गया। अब इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने सातवां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने सातवां अक्षर कौन सा होगा। यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएगा, फिर आप क्या करोगे। अब देखिए आप, दाहिने के बाएं तो आपस में प्लस हो जाता है, लेकिन दाहिने के दाहिने क्या करना है, दाहिने के दाहिने में हमें माइनस करना है। तो 17 में से आप 7 को माइनस कर देंगे, 17 में से 7 को जब आपने माइनस किया तो क्या बचा आपके पास, 10 बचा। ठीक है, अब ये 10 आ गया, लेकिन ये जो 10 आया है इस 10 को फिर क्या करेंगे, हम लोग 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से आपने 7 को माइनस कर दिया, आपके पास बचा 17। अब ये 17 नंबर किसका होता है, 17 नंबर क्यू का होता है, तो ये क्यू हमारा आंसर होगा। ठीक, तो जब भी आपको दाहिने से पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12, 13, 15, 16, 17 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको 27 में से माइनस कर देंगे। और यदि डबल में आ जाए, तो डबल में आया तो पहले उसको आपस में क्या करना है, हमें दाहिने के बाएं को प्लस कर दीजिए और 27 में से माइनस कर दीजिए, और दाहिने के दाहिने यदि आया तो क्या करो, आपस में माइनस कर दो और उसके बाद फिर उसको 27 में से माइनस कर दो। इस प्रकार से आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। एक तो ये हमारे पास ट्रिक होती, इसके अलावा एक प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं और उसमें ये ट्रिक भी हमारी जो है वो यूज होगी। तो पहले मैं आपको इसी ट्रिक को उसमें बता देता हूं आपको कि आपको क्या करना है, एक प्रकार से और जो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक प्रकार से और देखते हैं उसमें क्या करना है कि देखिए, ये आपका जो टोटल अल्फाबेट लिखा हुआ है ये बाएं से है और ये क्या है, दाहिने से, बाएं से और दाहिने से। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि अल्फाबेट को हमने टू रोज में लिखा है, दो रो बनी हुई है, एक ऊपर की पंक्ति और एक नीचे की पंक्ति। ये ऊपर की जो पंक्ति है ये ए से लेकर के है एम तक, ठीक, दूसरी पंक्ति जो है वो एन से लेकर के जेड तक। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम था, स्पेस तो हम चाहे तो उसको पास पास लिख सकते थे, लेकिन वर्णमाला में एक जो हमारे प्रथम पद, यहाँ पर दो पद होते हैं, प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तो प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट स्टेप भी बोलते हैं, द्वितीय पद को हम लोग सेकंड स्टेप भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा प्रथम पद होता है, फर्स्ट स्टेप जो होती है, उस फर्स्ट स्टेप में 13 लेटर होते हैं जो कि ए से एम तक होते हैं। उसके बाद जो द्वितीय पद होता है, सेकंड स्टेप होती है, उसमें भी 13 लेटर होते हैं जो कि एन से लेकर के आपका जेड तक होता है। इसलिए हम लोग उसको टू रो में लिखते हैं, दो लाइन में लिखते हैं, तीन नहीं बनाते, चार नहीं बनाते, एक नहीं बनाते, ये दो लाइन में ही लिखा जाता है और दोनों में 13-13 होते हैं। अब आपको अपोजिट करना है इसको, भाई बाएं को दाया, दाएं को बाएं मानना है, आपको अपोजिट करना है। तो अपोजिट क्या होगा, अपोजिट यहां पर देखिए, बाएं से पहला लेटर क्या है, ए, इसी प्रकार से दाहिने से पहला लेटर क्या है, जेड है। तो ये ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया, ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सभी का अपोजिट निकाल लेंगे। अब अपोजिट आप निकाला, ये देखिए आप, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी पी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, ये क्या हो गए, इनके अपोजिट हो गए।
अब इन अपोजिट को आपने पहला क्या करा काम, पहला काम आपने करा कि आपने नंबर्स को याद कर लिया, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा आपने ये करना है कि ये जो अपोजिट लेटर्स हैं, इन अपोजिट लेटर को आपको मेमोराइज कर लेना है, आपको याद करना है। अब डजंट मैटर आप कैसा मेमोराइज करते हो, कैसा याद करते हो, आप कोई भी ट्रिक लगा लीजिए, जैसा आपको याद करना है वैसा याद कीजिए, आपको सिर्फ इसको मेमोराइज करके रखना है कि हम आसानी से इसको कैसे कर सकेंगे, कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको याद करने की अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, जैसा भी आप यहां पर याद कर सके, जो भी आपकी ट्रिक बन जाए। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप उस प्रकार से इसको मेमोराइज कर सकते हो। जैसे हमने बोला कि पी के एम एन ओफ बाय लव, एल ओ वी पी के एम एन ओफ बाय लव, ठीक है। इसी प्रकार से जे क्यू सी एच डी डब्ल्यू एस एच आई आर टी शर्ट और जी ए जेड। अब यहां पर एक हम लोग को स्लोगन बनाते हैं ना, उस स्लोगन टाइप में आप इसको मेमोराइज कर ले। जब कोई स्लोगन टाइप का होता है तो हम लोग उसको बहुत ही आसानी से मेमोराइज कर लेते हैं। यह काम आपने बहुत पहले भी किया होगा, जैसे हम लोग जो 10th और 12th में होते हैं तो कुछ बड़े बड़े आंसर होते हैं जिनके पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट को हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक में बना लेते हैं और उसी तरह से उसको पॉइंट को याद रख लेते हैं। ये भी वही है कि आपने इसको जो है बना लिया कि पी के एम एन ओ बाय लव, याद करने बड़ा आसान हो जाएगा ये, और जे क्यू सी एस डी डब्ल्यू शर्ट गेज, शर्ट पहनने वाली हमारी शर्ट और गेज, आपने ऐसा मेमोराइज कर लिया। अब पी के हमारे आमिर खान भाई की मूवी, इसी प्रकार से एम एन मन वो भी उसी की मूवी है ना, तो आपने इस प्रकार से इसको क्या करा, कोई भी ट्रिक लगा ली, ट्रिक लगा के आपने इसको मेमोराइज कर लिया। ये एक दूसरे के अपोजिट है, देखो पी के एम एन यू एफ बी वाई एल ओ वी ई जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू एस एच आई आर टी जी ए जेड, ये क्या हो गए, इनके अपोजिट हो गए। तो आपने इसके अपोजिट को जो है वो मेमोराइज कर लिया, आपने इसके अपोजिट को याद कर लिया। अब अपोजिट याद करने के बाद, मेमोराइज करने के बाद, ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 27 में से माइनस करने की ट्रिक बताई थी, वो यदि आप नहीं भी यूज करते हो तो भी आपका काम होता है और एक प्रकार का क्वेश्चन और इस पे सॉल्व होता है। कैसे, देखिए मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहां पर लिख करके रखा है। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने दाहिने से क्वेश्चन बोले थे, वही क्वेश्चन फिर से आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से नौवां अक्षर क्या है। फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से नौवां क्या है। अब दाहिने से नौवां आप मत निकालिए, आपको 27 में माइनस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप यहां पर यह ध्यान रखिए कि आपको जो अपोजिट दिया हुआ है वो अपोजिट आपको याद है, और इसके पहले आपने मेमोराइज कर लिया कि अल्फाबेट के नंबर क्या होते हैं। मत कीजिए आप दाहिना बायां, तो आपको मेमोराइज करना बाएं से नौवां क्या था आपके पास, बाएं से नौवां आपने ऑलरेडी मेमोराइज करके रखा है कि बाएं से नौवां लेटर जो है वो आपके पास आई होता है। अब बाएं से नौवां होता है आई, लेकिन क्या हम बाएं से पूछ रहे हैं, नहीं, हम तो दाहिने से पूछ रहे हैं ना, तो बाएं का अपोजिट क्या होता है, दाहिना। तो इसी प्रकार से आई का अपोजिट क्या होगा, आई का अपोजिट यहां पर है हमारे पास आर, तो दाहिने से नौ क्या हो जाएगा, हमारे पास आर हो जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है, इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से फ्रॉम द राइट आंसर आपका निकाल सकते हैं, दाहिने से आंसर निकाल सकते हैं, कोई सा भी आपके पास यहां पर आ जाए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि दाहिने से 12 बताओ, अब दाहिने से 12 बताओ आपको माइनस नहीं करना, आपको बाएं से 12 याद है, बाएं से 12 क्या होता है, बाएं से 12 होता है हमारे पास एल, और एल का अपोजिट क्या है, एल का अपोजिट है हमारे पास ओ। तो ये बाएं से नंबर्स हैं और ये उनके अपोजिट है, आपने अपोजिट को मेमोराइज कर लिया, मतलब आप दोनों प्रकार से इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का बनता है। एक और प्रकार का क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आता है जिसमें कि आपको ऑलरेडी वो बोलता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर जेड लिखोगे, यहां पर वाई लिखोगे, इस प्रकार से पूरा जो आपका अल्फाबेट जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि जो आपका बायां है वो क्या बन जाएगा, दाहिना बन जाएगा, और जो दाहिना है वो क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। तो यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आपको आ जाए जिसमें वो बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अब उल्टे क्रम में लिखा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि बायां जो है वो बन गया है दाहिना और दाहिना जो है वो बन गया है बायां, तो उसमें भी आपको ये अपोजिट ही वर्क करेगा। अब एक क्वेश्चन यहां पर आपके पास आया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाता है, तो बाएं से 13वां अक्षर क्या होगा। अब बाएं से 13 बताना है आपको, बाएं से 13 तो हमारे पास एम होता है, लेकिन उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया। उल्टे क्रम में यदि लिख दिया तो आपको क्या करना है, आपको उसका अपोजिट बताना है। अब उल्टे क्रम में लिखा तो अपोजिट, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। ये आपका आंसर आपके सामने, आपको मेमोराइज, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं,
आपने सिर्फ क्या करा है, इन दो चीजों को मेमोराइज करके रखा है। यदि आप इन दो चीजों को मेमोराइज करके रखते हैं तो डैम श्योर कि आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वन क्लिक में उसका आंसर दे सकते हैं, आप विद इन अ सेकंड उसका आंसर देंगे। और खास करके जितने भी हमारे व्यापम के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका एमबी पुलिस हो गया, आपका जेल प्रहरी हो गया, संविदा के एग्जाम हो गए, ये इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उसमें दो नंबर का आपको आता ही है। पिछले एग्जाम में हमने देखा था कि आपको ये अपोजिट डायरेक्शन वाले दो क्वेश्चन आए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत ईजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। इसमें कोई व्यक्ति रॉन्ग करके नहीं आता, लेकिन उसमें वो व्यक्ति टाइम बहुत ज्यादा भर के आता है। और मेरी इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि कंपटीशन का स्टूडेंट जो है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई चीज है तो वो है टाइम। यदि आपने टाइम ज्यादा लगा दिया किसी क्वेश्चन को करने में तो आपके वहां पर दो से तीन क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर हमने करने सीखने। इसी प्रकार से आपने और क्वेश्चन बोला कि यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें नंबर पे क्या होता है, बाएं से 17। अब बाएं से 17, बाएं से 17 तो वैसे क्या होता है हमारे पास क्यू होता है, लेकिन यदि वो बोले कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और फिर उसने पूछ लिया कि बाएं से 17, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर बाएं से 17 क्या आएगा, तो बाएं से 17 है क्यू, और क्यू का आपको क्या करना है अपोजिट बताना है। तो क्यू का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, ये जे हमारा जो है वो आंसर हो गया। जब भी आपसे वो अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट क्रम में लिखने का बोले तो आपके जो ये आपका अपोजिट जो है वो काम में आएगा, या फिर वो आपको पूछे दाहिने से तो भी आपका यही अपोजिट काम में आएगा। बड़ी आसानी से आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर रीजनिंग। अभी हमारा जो अल्फाबेट है वो फिनिश नहीं हुआ है, दो प्रकार के और क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो बड़ी आसानी से आप तक पहुंच सके। जितने हमारे रीजनिंग के चैप्टर है वो सारे आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा और उन्हीं चैप्टर्स में से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने कंटिन्यू इन क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख लिए, तो डैम श्योर आप किसी भी एग्जाम में रीजनिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे और डेफिनेटली आप वहां पर स्कोर अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।